हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीएसआईआर नेट टीजीटी पीजीटी गेट और एनबीएचएम की तैयारी हायर मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आज ये बहुत ही अच्छी और प्यारी अपडेट निकल करके आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, आरपीएससी की तरफ से। आरपीएससी ने आज बहुत ही शानदार ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 22 जून को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये नोटिफिकेशन है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इन्होंने कुल 48 विषयों में 1913 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 1913 पदों पर ये आवेदन है भैया, बहुत अच्छी वैकेंसीज को मानी जाएगी, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो भैया, जिन लोगों ने अभी अभी आरसेट क्लियर किया था या जो लोग पहले से नेट क्लियर हैं वो लोग बिल्कुल कमर कस लें, क्योंकि बहुत ही प्यारी वैकेंसी होने वाली है। इसमें आपको अपने लिए पोस्ट जरूर ले लेना है। तो आइए कुछ इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कुछ 48 पोस्ट पे कुल वैकेंसीज जारी की है, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथ्स में इन्होंने 53 पोस्ट दी हुई है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 19 पोस्ट हैं। तो एक डिसेंट नंबर माना जा सकता है इसको, क्योंकि इतने नंबर में जल्दी वैकेंसीज मिलती नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एक डिसेंट नंबर माना जा सकता है। और भी सब्जेक्ट्स में हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री में 177 है, ज्योग्राफी में 150 है, हिंदी में 214 है, पॉलिटिकल साइंस में 181 है। तो बढ़िया वैकेंसी ये है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और चीजों को देखिए अच्छे से। ये कुल 48 सब्जेक्ट्स में है। ये नोटिफिकेशन को मैं अपने ग्रुप पे डाल दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि इसके पेपर्स कैसे होंगे, पेपर का स्कीम कैसा होगा, मतलब कैसे एग्जाम्स होंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस पे, क्या सिलेबस है, कैसे इसके एग्जाम्स लिए जाते हैं, इन सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले इन्होंने जो चीजें हम लोगों को दी है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि अगर राजस्थान राज्य के अगर पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या EWS से अगर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता है ना, तो ये फिर सामान्य प्रक्रिया के तहत उन पोस्ट को भरेंगे। जो वैकेंसीज यहाँ ऊपर आपको दिख रही हैं, यहाँ पे पूरा इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है बिल्कुल अच्छे से कि ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 53 है, जनरल के लिए 19 है, जनरल WE के लिए 6 है, WT के लिए 2 है, ऐसे करके इन्होंने पूरा बांटा हुआ, जनरल SC ST OBC MBC EWS सबके लिए इन्होंने पोस्ट बांटे हुए। तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी स्पेशल कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी इन्होंने बनाई है उसमें कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं तो उसको फिर सामान्य प्रक्रिया के तहत ही उनको भरा जाएगा पोस्ट को। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी। बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए सीधे सीधे ये है कि भैया, सबसे पहले और सबसे जरूरी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। मास्टर्स डिग्री होनी ही चाहिए, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो इसके साथ या तो फिर आप नेट क्वालिफाइड हो, वो नेट चाहे तो UGC वाला हो, क्योंकि भैया आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में लगभग इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और या फिर हाल ही में आपने सेट या स्लेट का एग्जाम उस स्टेट का पास किया हो, जैसे आरसेट हुआ था अभी 9 साल बाद, आप लोगों को पता है एक लंबे अरसे बाद ये आरसेट का एग्जाम हुआ और इन्होंने रिजल्ट भी घोषित कर दिया, तो उसी के बाद के क्रम में इन्होंने इस नोटिफिकेशन को निकाला, बहुत अच्छी बात है।
तो या तो आप सेट पास हो या आप नेट पास हो, दोनों लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं। नेट सेट जो भी पास हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अब असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप किसी कॉलेज में बनते हैं तो फिर प्रमोट करके आप एसोसिएट प्रोफेसर भी बनते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर भी बनते हैं। तो अगर आपको आगे भविष्य में प्रमोशंस चाहिए होंगे तो फिर ये चीज़ें आपको जरूरी हो जाती हैं। पीएचडी, पीएचडी फिर वहां पे जरूरी हो जाता है। पीएचडी आपका ये रेगुलर मोड में होना चाहिए, ठीक है? तो पीएचडी यहाँ पर फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर जिस पोस्ट पे आप ज्वाइन करते हैं उसी पोस्ट पे बने रह जाते हैं, प्रमोशन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस समय भी आपके फील होनी चाहिए। तो ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था जो होना ही चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज इन्होंने यहाँ पर ऐड करी है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी में आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ राजस्थानी कल्चर यानी राजस्थानी संस्कृति के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो भैया इतना तो करना ही पड़ेगा, किसी दूसरे स्टेट से अगर आप आते हैं और यहाँ पे नौकरी करने, जो राजस्थान के हैं वो तो वहाँ के कल्चर जान ही रहे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर स्टेट वालों के लिए भी ये वैकेंसी ओपन है, बस अपने कैटेगरी में आप नहीं आवेदन कर सकते। अदर स्टेट वाले जनरल कैंडिडेट्स के तौर पे आप लोग यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो, ठीक? अब यहाँ पर एक इन्होंने बहुत ही प्यारी छूट भी दी हुई है कि अगर 1 जून 2002 से पहले किसी ने सेट या किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, 1 जून 2002 से पहले अगर उसने सेट पास किया हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 1 जून 2002 के बाद अदर स्टेट वाला सेट यहां पर वैलिड नहीं होगा, तब फिर 2002 के बाद केवल और केवल आर सेट ही वैलिड होगा और कुछ नहीं। हाँ ऑब्वियसली नेट जो है ये नेशनल लेवल पर है, ये हमेशा वैलिड होगा, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट जिन्होंने सेट का एग्जाम किसी और, सपोज करो एमपी में मैं रहता हूँ तो एमपी सेट का एग्जाम मैंने 1 जून 2002 से पहले अगर पास किया हुआ है और मैं इस फॉर्म को भरना चाह रहा हूँ तो भर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी कि क्या क्या चीजें इनको रिक्वायरमेंट है। साथ ही फिर इसके बाद जिसके लिए हम काम करते हैं सबसे जरूरी बात वो देख लेते हैं, वो है सैलरी। सैलरी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। पे बैंड इनका जो होगा वो 15,600 से 39,100 है और ग्रेड पे ये 6,000 का है। मैं आपको बताऊं कि ये ग्रेड पे आईएएस से भी अधिक का ग्रेड पे है, तो 6,000 का ग्रेड पे देते हैं ये लोग। लेकिन थोड़ी सी एक चीज है कि 2 साल का इनका, 2 ईयर्स का इनका प्रोबेशन पीरियड होता है, ये अपना प्रोबेशन पीरियड रखते हैं 2 साल का राजस्थान के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट ने एक मंसौदा बनाकर तय किया हुआ है कि इसको रिड्यूस करके 1 ईयर किया जाएगा, लेकिन अभी 1 ईयर नहीं है फिलहाल के लिए। अभी वो परिवीक्षा काल जो यहाँ पर मेंशन है, ये परिवीक्षा काल अभी 2 साल का है। इस परिवीक्षा काल के दौरान आपको मासिक वेतन फिक्स होता है, वही मिलता है, मतलब ये लगभग यही 39,100 के आसपास आपको मिलता है। और बाकी जो डीए होता है, एचआरए होता है, ये सारी चीजें आपको इस प्रोबेशन पीरियड के अंदर नहीं मिलती। जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करते हो उसके बाद फिर आपको ये ग्रेड पे और ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज है, तो भैया लग जाइए, बहुत अच्छा ये वैकेंसी है, मैं फिर से बोलूं। इसके बाद फिर इसके आयु सीमा पे अगर बात करें, कितनी एज होनी चाहिए, एज पे अगर हम लोग बात करें तो एज आपका होना चाहिए 1 जुलाई 2023 को इन्होंने मेंशन किया है कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा का उम्र ये नहीं लेंगे। इसके अलावा 23 सितंबर 2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। ये
थोड़ी सी छूट दी है उन्होंने। और इसके अलावा फिर जो राजस्थान में है उनको कुछ छूट मिलेगी, राजस्थान के अंदर जो है उनको कुछ छूट मिलेगी, जैसे राजस्थान स्टेट के अंदर जो भी अनुसूचित जाति वाले हैं या पिछड़ा वर्ग वाले, अति पिछड़ा वर्ग वाले या EWS वाले, सबको इन्होंने 5 साल की छूट दी हुई है अधिकतम में। मतलब 40 था तो 40+5 आप कर दो इसको। साथ ही अगर जनरल कैटेगरी में कोई विमेन कैंडिडेट है, महिला है, तो उन्हें भी इन्होंने 5 साल की छूट दी हुई है, 5 साल की छूट इनको भी मिलेगी। ठीक है। और वहीं पर ये जो राजस्थान स्टेट की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर महिला अभ्यर्थी है, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी था तो इनको 5 साल मिल रहा था, अगर वही महिला अभ्यर्थी है तो इनको 10 साल तक की छूट मिलेगी, मतलब 50 साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई विडो है, मतलब विधवा है या डाइवोर्स हुआ है उनका, तो इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये चाहे जब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज थी एज के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो इनका चयन प्रक्रिया का आधार जो होगा वो होगा कि भैया पहले एक ये परीक्षा कराएंगे, प्रतियोगी परीक्षा होगी, एग्जाम होगा, एग्जाम पे भी अभी चर्चा करेंगे, इनके सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही एक इंटरव्यू भी इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर ये हमारा मेरिट बनाएंगे और आपको आपका पोस्ट देने वाले। परीक्षा जो है, परीक्षा का स्थान व माह, तो परीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित होने की संभावना है। इन्होंने एक टेंटेटिव मंथ आपको दे दिया कि अक्टूबर 2023 में ये परीक्षा करा लेंगे। और ये जो परीक्षा होगी ये टोटल ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, टोटल ऑब्जेक्टिव होगी, सभी प्रश्न इनके वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सिलेबस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा सिलेबस अभी दिखाता हूँ। ये फॉर्म जो है ये भरा जाएगा आपका 26 जून से, आज आपका 23 जून है, 26 जून से 25 जुलाई तक ये भरा जाएगा। अच्छा खासा इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, भैया आराम से अपने फॉर्म को भर लीजिए और लड़ाई में उतर जाइए, लड़ाई में उतरना जरूरी है। और इसके लिए आवेदन कैसे करना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात ये है कि आपको सबसे पहला काम करना है कि इनकी वेबसाइट पे rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये लेकर जाएंगे SSO, जब अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे SSO पर लेकर जाएंगे, SSO पर जाएंगे तो ये लॉगिन करने को आएगा। और दूसरी चीज, लॉगिन से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसी पर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, पता, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं। ये भरते समय बहुत केयरफुल रहिएगा, इसमें कहीं कोई लापरवाही ना होने पाए, क्योंकि बाद में जो भी एडिटिंग की चीजें होती हैं, बाकी सारे डिटेल्स में ये खोलते हैं पोर्टल एडिट करने के लिए, लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स भरी होती है इनमें कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे कोई गलती होती है इन केस तो भविष्य में आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इसी वेबसाइट पर sso.rajasthan.gov.in पे जाके अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर वहां पे रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे और जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। यहाँ पर प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिन पहले, मतलब जब भी ये अपना डेट घोषित करेंगे उससे ठीक 45 दिन पहले ये अपना ऑनलाइन एडिटिंग के लिए विकल्प खोलेंगे, या कोई अगर दिक्कत है, त्रुटि हुई है, तो त्रुटि संशोधन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ इन्होंने कहा है कि OTR में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि होगी।
इसलिए ओटीआर बहुत ध्यान से करिएगा, और जो भी संशोधन होगा उसका फीस इनका इन्होंने निर्धारित किया है 500 रुपये, ठीक है। अब यहां पर जो इन्होंने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जो पैसा रखा है वो 600 रुपये रखा है फॉर्म भरने के लिए, और जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको 400 रुपये देना है, और जो भी दिव्यांग जन है मतलब यहाँ पर 600 रुपये लगेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, जो भी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 400 रुपये लगेंगे, और जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 400 रुपये का इन्होंने फीस रखा होगा, ठीक है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं, इन्होंने स्कीम रखी हुई है स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एक तो ये रिटर्न एग्जाम लेंगे, पहले ही मैंने ऊपर बता दिया आपको, दूसरा ये लेंगे इंटरव्यू। रिटर्न एग्जाम कैसे होगा? रिटर्न एग्जाम होगा आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, तीन पेपर्स होंगे। पहले दो पेपर्स जो होंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे सपोज करो आपने मैथ्स के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो मैथ्स के दो पेपर होंगे 75-75 नंबर के, 3-3 घंटे के ये दो पेपर्स होंगे, और तीसरा और अंतिम पेपर होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का। तो अच्छा, एक चीज ये पैटर्न ही हो गया है एक तरीके से कि कोई भी स्टेट अगर अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकालता है और एग्जाम लेता है तो लगभग यही पैटर्न होता है कि दो पेपर तो आपके हो जाते हैं सब्जेक्ट के लिए, या एक पेपर भी हो जाता है, पेपर यहाँ पर एक या दो हो सकता है सब्जेक्ट के लिए, लेकिन उस स्टेट का जीएस ही पेपर के रूप में रहता है। तो ये यही सबसे बड़ा गेम प्ले करेगा, क्योंकि देखो सब लोग अपना सब्जेक्ट तो पढ़ते ही है, सब्जेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो करते ही है और पूरे मन से करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? तो यहाँ जनरल स्टडीज में आती है। तो जो जनरल स्टडीज को अच्छा करेगा, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि जो लोग भी जनरल स्टडीज को अच्छा करेंगे वो मेरिट बनाए, ये पक्का है 100%। तो ये 75, 75 और 50 कुल मिला के 200 नंबर का ये आपका पेपर होता है, तीन पेपर, 3 घंटे, 3 घंटे एंड 2 घंटे, यानी 8 घंटे का ये पेपर आपको देना है। बहुत अच्छा खासा टाइम लग रहा है इसमें, तो लग जाइए अभी से। अक्टूबर में आपको कहा जा रहा है, तो अभी भी आपका ये जून मान लेते खत्म हो गया, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट टेस्ट में ये लेंगे एग्जाम। तो ये लगभग 4 महीने का टाइम आपके पास है। इस 4 मंथ में, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपने सेट एग्जाम या नेट एग्जाम देना जारी रखा है, तो अपने सब्जेक्ट को आपने लगभग तैयार करके रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट का जो पैटर्न है अभी सिलेबस में आपको दिखाऊंगा वो थोड़ा सा अलग भी है नेट और गेट से, तो लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर आप पढ़ रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपने सब्जेक्ट की तैयारी करके रखी होगी। इसको आपको माँजते रहना है बिल्कुल एकदम, कहीं कोई लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन इस 4 महीने के अंदर आपको जीएस की अच्छी खास तैयारी कर लेनी, क्योंकि ये 50 नंबर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये 200 नंबर के अलावा इन्होंने इंटरव्यू रखा है 24 नंबर का, ये 24 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल जो मार्क्स आपके हो गए वो हो गए 224 मार्क्स, और मेरिट इसी 224 नंबर के आधार पे बनेगी, ठीक है, यही होगा। तो बाकी जो डिटेल्स हैं आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरा डिटेल्ड आपको नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या बात करी कि भैया एलिजिबल कौन होगा, जो मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है, जिनका मास्टर्स हो गया है, प्लस जिन्होंने नेट या सेट का एग्जाम पास किया हुआ है, सेट या स्लेट का एग्जाम पास किया हुआ है। इसमें भी इन्होंने एक छूट दी है कि अगर 1 जून 2002 से पहले का अगर आपका सेट है तो ये अदर स्टेट के लिए भी इन्होंने मान्य कर लिया, अदर स्टेट का भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन इसके बाद आफ्टर केवल आर सेट ही इन्होंने वैलिड किया, ठीक है। एक बात ये हो गई एजुकेशनल के लिए। इनकी सैलरी मैंने बताई आपको, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने 15,100 से 39,000
15,100 से 39,100 का पे बैंड रखा हुआ है, और ग्रेड पे इनका 6,000 रुपये है, अच्छा खासा सैलरी दे रहे हैं ये। लेकिन 2 साल का इन्होंने रखा हुआ है प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड में इनकी सैलरी फिक्स होगी, फिक्स्ड सैलरी होगी, और इस सैलरी के दौरान ना तो आपको मिलेगा डीए, डीए भी नहीं मिलता है, ना तो एचआरए मिलता है, कोई भी पर्क्स आपको नहीं मिलते हैं प्रोबेशन पीरियड के अंदर। प्रोबेशन पीरियड के बाद ये कंप्लीट सैलरी देना आपको चालू करते हैं। तीसरी बात, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, अब तक इन्होंने ऑफलाइन ही एग्जाम्स कराए हुए हैं, तो ये ऑफलाइन ही होने के चांसेस है, क्योंकि आरसेट भी इनका हुआ, वो भी ऑफलाइन ही हुआ, तो ऑफलाइन ही होगा। और क्या स्कीम रहेगा एग्जाम का, तो स्कीम है भैया, एक रिटेन लेंगे ये लोग, रिटेन पेपर कराएंगे, दूसरा इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू होगा यहाँ पर। रिटेन पेपर 3 पेपर रखेंगे यहाँ पे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पहले 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से होंगे, और तीसरा पेपर जीएस होगा, वो भी राजस्थान का स्पेशल, राजस्थान का जीएस होगा। साथ ही इंटरव्यू इन्होंने रखा है 24 नंबर का। ये दोनों पेपर्स जो हैं, ये 75-75 और तीसरा पेपर 50 नंबर का, यानी ये टोटल 200 का है, और ये इंटरव्यू 24 नंबर का है, टोटल 224 नंबर का इन्होंने स्क्रीन रखा होगा। और मिनिमम एज जो इन्होंने रखी है 21 साल रखी है, और मैक्सिमम एज जो इन्होंने रखी हुई है वो 40 साल रखी हुई है, और छूट भी इन्होंने दी हुई है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, और राजस्थान स्टेट वालों को मैक्सिमम ये छूट है एज के लिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो, अब सिलेबस क्या है, तो मैं मैथ्स के सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस आपके इस चैनल पर चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये पेपर 1 का सिलेबस है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये मैथ्स के लिए पेपर 1 का सिलेबस है, और अच्छा खासा सिलेबस है। क्या क्या चीजें हैं इसमें, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस पूरा ही है इसमें, इसमें पीडी है, और होमोजेनियस फंक्शन के लिए आइलर्स है, टोटल डिफरेंशिएशन है, मैक्सिमा मिनिमा है, और लैग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड है, कर्वेचर है, असिम्प्टोट है, इनवलप है, इवोल्यूट है, सिंगुलर पॉइंट्स हैं, रेक्टिफिकेशन है, मल्टीपल इंटीग्रल है, वॉल्यूम एंड सरफेस है, मतलब तो बीटा गामा फंक्शन पूरा ही ले लिया इन्होंने डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस को। उसके अलावा 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी इन्होंने लिया है, ये क्लास 12 से अगेन आता है, लेकिन ये BSc वाला है एक तरीके से वाला, क्योंकि पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स है, और ऑक्सिलरी और डायरेक्टर सर्किल है, बहुत सारी चीजें, सेंटर असिम्प्टोट इसेंट्रिसिटी सारी चीजें पूछनी है। 2D ज्योमेट्री भी लेंगे, 3D ज्योमेट्री भी लेंगे, ज्योमेट्री पूरा ही ले लिया। फिर वेक्टर कैलकुलस लिया है, ODE लिया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE लिया है अलग से, मतलब ऊपर डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस तो लिया ही है, इसके अलावा फिर यहाँ पर ODE PDE भी पूरा एक सेक्शन लिया। अच्छा, इसमें से आपने कुछ कुछ चीजें, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस की कुछ कुछ चीजें नेट और गेट में आपने पढ़ी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर ODE PDE आपने पढ़ा हुआ है, बाकी 2D 3D और वेक्टर कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिक्स में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये मैकेनिक्स से भी है। फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडर्न अलजेब्रा से, जैसे ग्रुप्स हैं यहाँ पर, रिंग्स हैं, ये फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन है, इंटीग्रल डोमेन है, सारी चीजें हैं। फिर ये लीनियर अलजेब्रा के लिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये डिटेल्ड सिलेबस मैं वहां अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ बहुत सारी चीजें, सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का पूरा सिलेबस इन्होंने नेट का ही रखा हुआ है, वेक्टर स्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये सारी चीजें इन्होंने रखी हुई है, और ये पूरा सिलेबस आपका
कंप्लीट सिलेबस जो है ये नेट का ही, और 10वां टॉपिक है। देखो 10 टॉपिक ले लिए, केवल एक पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, एनालिटिक फंक्शन, कॉची थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलैरिटीज, थ्योरी ऑफ रेसिड्यूज, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस, कंटूर इंटीग्रेशन। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस थोड़ा कंपैरेटिवली नेट से कम है, तो जिन्होंने भी नेट की तैयारी की हुई होगी उनके लिए ये 9 और 10 और ये 8, 8 9 10 जो है वरदान साबित होंगे। 5 और 6, 5 6 8 9 10, ये 5 चैप्टर तो बहुत अच्छे से लोगों के क्लियर होंगे, बाकी को फिर आपको तैयार करना होगा निश्चित रूप से, तो तैयार करिए। और फिर पेपर टू का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। ये पेपर टू का सिलेबस है, पेपर टू भी अच्छा खासा इन्होंने रखा हुआ है, इसमें स्पेशल फंक्शंस को रखा हुआ है। ये स्पेशल फंक्शंस है हाइपर ज्योमेट्रिक, कॉन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, बेसल्स, लेजेंडर, सारी चीजें पूछ लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में लाप्लास भी है, इम्पॉर्टेंट होता है उनकी प्रॉपर्टीज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स फोरियर एंड उनकी प्रॉपर्टीज एंड हंकेल, तीन इन्होंने पूछे हैं, लाप्लास, फोरियर एंड हंकेल इन्होंने पूछा है, और कंप्लीट पूछा है, कुछ भी छोड़ा नहीं। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस है, इंटीग्रल इक्वेशंस है यहाँ पर, इंटीग्रल इक्वेशन से भी पूछा गया। इंटीग्रल इक्वेशन आपने ये पढ़ा हुआ होगा, फ्रेडहोम एंड वोल्टेरा आपने पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके साथ ही कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी यहीं पर है, सीओवी भी यहीं पर है, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा। जो पढ़ना पड़ेगा जो अलग से, मुझे जो लगता है नहीं, ये नेट का ही है, ये थर्ड वाला टॉपिक नेट का ही है, तो ये अच्छा चैप्टर माना जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी है इनके सिलेबस में, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, टेंसर है। अब ये दो जो चैप्टर्स इन्होंने डाले हैं, दो सेक्शंस इन्होंने डाले हैं कह लो, ये लगभग किसी कॉलेज में ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा अपने कंपटीशन के। फिर मैकेनिक्स यहाँ पर भी है, मैकेनिक्स इन्होंने ऐड किया है, इसको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस अगेन वही नेट का ही सिलेबस है पूरा। ओआर इन्होंने डाला हुआ है, ओआर को ऑपरेशन रिसर्च को आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिकल स्टैटिक्स जो है बहुत छोटा सा पार्ट नेट का ही इन्होंने उठा के डाल दिया है, और कुछ खास नहीं है, जिसमें प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट होता ही है, आप लोग जान ही रहे हो, और कई तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी इन्होंने लिया, जैसे बाइनोमियल, पॉइजन, यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको डिस्कस करके दिया, 75 का एक सिलेबस, 75 का एक सिलेबस, 150 नंबर का ये सिलेबस है, 50 नंबर का आपका जीएस होगा राजस्थान का जो कि पूछा जाता, कुल 200 नंबर की मार्किंग है, और जम के आपको 3 महीने में इनको कंप्लीट करना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया क्या ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको, अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इसके पहले आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, नेट वेट आप बहुत पहले से पास हो और पढ़ाई छूटी हुई है, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए मुश्किल है, मैं कहूंगा कि आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोलो, मुश्किल है। लेकिन जो भी बच्चे नेट या सेट की तैयारी, नेट या सेट की तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने क्लियर किया है, उसके बाद भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मैक्स ऑफ द सेक्शन जो है उन्होंने अपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, कुछ ही सेक्शंस हैं जो उनको अलग से पढ़ने हैं, तो वो कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन कुछ भी है, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, यार नौकरी आपको एक पोस्ट चाहिए तो वैसे भी ये मुश्किल चीज है, लेकिन जब आप इसके लिए लड़ाई लड़ते हो, उसको आसान बनाते हो, तब वो आसान होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दिया आरपीएससी के बारे में, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी ये वैकेंसी निकाली, इसके लिए मैंने आपको ये कंप्लीट डिटेल दे दिया है, लग जाइए सभी लोग और एक पोस्ट ले लीजिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा,
और कोई एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा, हमारे चैनल पे मैं आपको बता दूं कि लीनियर एलजेब्रा का सेक्शन अभी चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, चाहे वो नेट में आप बैठे हों, चाहे आप वो सेट में बैठे हों, चाहे आप गेट में बैठे हों, चाहे आप NBHM में बैठे हों, चाहे आप PGT PGT में बैठे हों, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठे हों, लीनियर एलजेब्रा का कोर्स कंप्लीट होगा विथ ऑल PYQs। सबसे अच्छी बात हमारे कोर्स की ये है कि जितना भी मैं ये एग्जाम बता रहा हूँ, इन सभी में आए हुए PYQs को हम लोग लेकर के कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 लेक्चर्स कर लिए हैं, हमारे चैनल पे आज 7वां लेक्चर है, तो आप उन लेक्चर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास के अंदर, 1 बजे क्लास है, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।